हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और जो चीज़ लवर है उनके लिए तो ये परफेक्ट है। आपने ब्रेड आलू पकौड़ा तो खाया ही होगा, लेकिन ये है चीज़ ब्रेड पकौड़ा। ये स्नैक्स इजी भी है बनाने में और खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और साथ ही मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले लेंगे एक कप बेसन। इसमें ऐड करेंगे हम हाफ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो और ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून लेंगे हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून लेंगे चाट मसाला। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है ताकि अच्छा कलर आए, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और लगभग 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लेंगे हरा धनिया के पत्ते। पहले हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ना तो ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए। देखिए कि जैसा बैटर हमें चाहिए वैसा बिल्कुल रेडी है। और इसमें 1/2 कप से थोड़ा ही ज़्यादा पानी हमने लिया है। फिर हमें चाहिए कुछ ब्रेड। फिर लेंगे टमाटो सॉस और मोज़रेला चीज़। टमाटो सॉस की जगह आप चाहे तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं। पहले दोनों ब्रेड पर हम सॉस लगा देंगे। फिर हम मोज़रेला चीज़ को ब्रेड के ऊपर रख देंगे। चीज़ को आप साइड में मत रखिएगा क्योंकि ये चीज़ मेल्ट होगी तो ये साइड में खुद ही पहुंच जाएगी। बीच में हम चीज़ को अच्छे से रख देंगे तो उसे ब्रेड से इसे कवर कर देंगे और इसे 2 पार्ट में कट कर लेंगे। आप चाहे तो एक ब्रेड पे सॉस लगा सकते हैं, एक ब्रेड पे ग्रीन सॉस लगा सकते हैं या चटनी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का टेस्ट चाहिए। आप इसी तरह से दोनों ब्रेड पर ही टोमेटो सॉस लगा सकते हैं। बाकी के ब्रेड भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए एक साइड से मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर जैसे नॉर्मल पकौड़े हम बेसन में डिप करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे अच्छे से बेसन से कवर कर लेंगे और फिर ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। पहले हम एक साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। देखिए ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है, तो हम दूसरी साइड से भी इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। जैसे इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा ये क्रिस्पी भी खुद ही होते चले जाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा यम्मी भी लग रहा है। बाकी के पकौड़े भी हम ऐसे ही बेसन में डिप करके फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारा ये भी चीज़ ब्रेड भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं। या देखिए बिल्कुल भी इसमें से चीज़ बाहर नहीं निकली है। ध्यान रखिएगा चीज़ को आप साइड तक ना रखिएगा क्योंकि चीज़ मेल्ट होती है तो ये अपने आप ही साइड तक पहुंच जाएगी, और अगर आप साइड में भी चीज़ रखेंगे तो ये मेल्ट होकर बाहर निकल सकती है। तो हमारे ये ब्रेड भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे यम्मी से चीज़ ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी स्नैक्स रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली बना सकते हैं। मैं आपको अंदर से भी तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना चीज़ी है और बहुत ही यम्मी लगता है, और जो चीज़ लवर होते हैं उनको तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।